हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी GTA 5 के अंदर फ्लाइट टू कायो पेरी को। इस मोड को इंस्टॉल करने वाले हैं आज हम। बेसिकली ये मोड मतलब एक आइलैंड है, देखिए घर वर हैं, मतलब देख सकते हो आप, एक्सप्लोर कर लेना। मैं आपको तरीका बताता हूँ उसे इंस्टॉल करने का। ये उन लोगों को स्टेप फॉलो करना है जिनकी GTA पहले से मोड है। अगर आपकी GTA मोड है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। अगर आपकी GTA मोड नहीं है तो पहले जाके आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, हाउ टू मोड GTA, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करिए। तो इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो आप में इस फाइल की नीड होगी, इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से की हुई है इसलिए मैं नहीं करूँगा, आपको कर लेना है। बाकी मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपकी जहाँ पर डाउनलोड हुई है वहाँ पर जाना है आपको। फाइल मेरी यहाँ पे देखिए, इरा इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर एक फोल्डर होगा, ये कायो पेरी को फ्लाइट V1। इसके अंदर ASI, ये इसमें जाना है आपको। इसके अंदर ये कायो पेरी को .ASI ये फाइल होगी एक। इस फाइल को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है GTA फाइल की मेन डायरेक्टरी में। जहाँ पे आपकी GTA 5 है मेन डायरेक्टरी, को वहाँ जाना है और इस फाइल को वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। मैंने पहले से की हुई है इसलिए मैं नहीं करूँगा। बस हमारा मोड इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको गेम के अंदर जाके दिखा देता हूँ कहाँ आएगा आपका ये एलेन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो हम गेम के अंदर आ चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको साइलेंट पे कैसे जा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका एक प्लेन का निशान आ चुका है, आपको यहाँ जाना है। मैं अपने प्लेयर को टेलीपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए आ गया मेरा प्लेयर। आपको इस येलो येलो निशान पे जाना है। ये देखिए, प्रेस E2 फ्लाई टू कायो पेरी को ई दबाना है आपको। ये देखिए हम सीधा आ चुके हैं साइलेंट पर। मैं दिखा देता हूँ मैप में भी। ये देखिए, बहुत बड़ा आइलैंड है, आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। मैं ज़्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार आइलैंड। यहाँ पे एक मेंशंस भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ होगा। बहुत बड़ा मेंशन है, हाँ यहीं कहीं है वो। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।